गरियाबंद जिला के मैनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बजाड़ी में एक महिला को फोन में जबरदस्ती मिलने का दबाव बनाने वाला आरोपी उपेंद्र यादव, पिता जोहन यादव, उम्र 29 वर्ष, ग्राम पंचायत लाटापाड़ा के आश्रित ग्राम फुंदेल पारा निवासी, थाना देवभोग को आज देवभोग पुलिस ने गिरफ्तार किया। डीजीपी द्वारा दिए गए महिला संबंधी अपराधों के संबंध में निर्देश का थाना देवभोग द्वारा पालन करते हुए सन की प्रेमी उपेंद्र यादव, जो कि पुलिस को लगातार छल रहा था, उसे आज गिरफ्तार करने में देवभोग पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें साइबर सेल गरियाबंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह बैस एवं उनकी टीम लगातार साइबर सेल के सतीश यादव के संपर्क में थी एवं उनके द्वारा लोकेशन दिए जाने पर उड़ीसा के कालाहांडी जिला नवरंगपुर से देवभोग पुलिस की टीम घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पीड़ित महिला को फोन करके परेशान करता था और मिलने के लिए मजबूर करता था एवं नहीं मिलने पर पीड़ित महिला के परिजनों को धमकी देता था। क्या घटना हुआ और किस लिए आप यहाँ आज यहाँ पे थाना पे हैं? मेरे को पुनर्पाड़ा का एक लड़का मेरे को बहुत परेशान करता था, मारपीट करता था और मेरे घर जाके मेरे लड़का को खेत में लेके बहुत मारा पीटा, उसको बहुत चोट आया, मेरे पापा का गाड़ी उड़ा, सब जला दिया और नक्सलाइट लाके सबको मार दूंगा, पीट दूंगा, सबको मर्डर करके फेंक दूंगा बोलता था। कहाँ का लड़का है? वो फुंडेलपरा निवासी है। क्या नाम है? लाटापरा उपेंद्र यादव बोल के, उसका पापा का नाम जोहन लाल यादव है। तो आज आरोपी क्या पकड़ा गया? आज पकड़ा गया, सर ने मेरे को जैसे वादा किए थे ऐसे ने सर ने आज पकड़ लिए, यानी पुलिस फोर्स के साथ। कौन पकड़ा? हर्षवर्धन सर ने और उनकी टीम। जी, तो आप उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं? हाँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जैसे मेरे को न्याय दिलाए। आपका नाम? मेरा नाम सिंधुका ध्रुव। आरोपी ने पीड़ित महिला के पिता का मोटरसाइकिल को भी आग लगा दिया था, जिस पर पीड़ित महिला ने थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना देवभोग में उक्त आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 112/20, धारा 294, 323, 435, 509 ख, 354 घ, भादवी दर्ज कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को आज गिरफ्तार कर अभिरक्षा में जेल भेजा गया। जी, ये बताइए, आज जो आरोपी गिरफ्तार करके जिसको जेल भेजा जा रहा है, एक यानी किस मामले पे जेल भेजा गया इसको? एक महिला ने थाना देवभोग में अपराध दर्ज कराया था कि एक व्यक्ति उपेंद्र यादव उसे फ़ोन करके परेशान करता है, उसके मना करने पर भी बार बार फ़ोन करता है, धमकी देता है, मिलने के लिए उसको दबाव देता है। जब उस महिला ने मना किया, महिला सारी शादीशुदा है, परित्यक्ता है, तो उसके बेटे से उसको मारपीट किया, उसके घर में रखी गाड़ी को आग लगा दिया। इस तरह से महिला को काफ़ी प्रताड़ित कर रहा था। उसकी महिला की रिपोर्ट पर थाना में अपराध क्रमांक 112 दर्ज किया गया, धारा 354 घा, 509 खा, 243, 506 लगा। उसके बाद से लगातार इस आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, पर आपराधी स्कूल में भी कई अपराध किया हुआ था, शामिल था। बचने का हर तरीका जानता था, मोबाइल अक्सर बंद कर देता था, चालू करता था, अपना लोकेशन चेंज कर रहा था। फिर मैंने एक टीम बना करके पुलिस शिक्षक महोदय के साइबर टीम का सहयोग लेते हुए हमने लगातार इसका पीछा किया। उसके बाद आज इसको उड़ीसा के नज़दीक के गांव जो हमारा क्षेत्र लगता है, वहां से हमने इसे अरेस्ट किया और अभी जेल दाखिल किया गया है। गरियाबंद से जय विलास शर्मा, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यूं ही छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।